कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही सिंपल और अच्छी सी रेसिपी, जो कि आप लोगों को पता ही है कि बच्चों के टिफिन में क्या दें, सुबह नाश्ते में क्या बनाएं। तो अगर आपको चाहिए फटाफट वाली रेसिपी तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही अच्छी रेसिपी जो बनती है सूजी से। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने ये थोड़ा सा सूजी ले लिया है, उसमें मैं मिला रही हूँ दही, जो कि मैं अभी मार्केट से लेके आई हूँ। तो हम लोग अक्सर सोचते हैं कि बच्चों के लिए क्या दें, बच्चे सब्जी भी नहीं खाते हैं और अच्छे से लंच करके भी नहीं आते हैं। तो हम लोग ऐसे फटाफट बना सकते हैं छोटी मोटी चीज़ें, तो जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, हमने थोड़ा सा एक कप सूजी लेके उसमें 2 चम्मच दही मिला के और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, और कम से कम 5 या 10 मिनट के लिए हमें इसको फुलाने के लिए रख देना है। तो ये मैंने इसको मिक्स कर लिया है और अब हम थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर उसके बाद हम और आगे की रेसिपी हम तैयार कर लेते हैं। तो जब तक ये फूलता है तब तक हम काट लेते हैं थोड़ा बहुत वेजिटेबल, जो कि बच्चों की, अब आपके बच्चों को जो भी पसंद हो आप वो काट सकते हैं। जो भी हो आप वो काट लेंगे, गाजर हो और क्या कहते हैं शिमला मिर्च हो, जो कुछ भी हो आप वो सब्जी काट लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से, सूजी भी फूल चुकी है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके का हो रखा है और इसमें हम पानी डालेंगे और इसको ना ज़्यादा गीला और ना ज़्यादा गाढ़ा इसको रहने देना है, बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट बनाना है। आप लोग देख सकते हैं कैसे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, तो इसमें ना गुठली जैसी हो जाती है, तो चम्मच से बिल्कुल अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो हम जो फेंटने वाला होता है उससे हम इसको करेंगे। कोई भी इनो ले सकते हैं, और मैंने ये वाला लिया है। तो इसमें ये डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। इनो में हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, इसी तरीके से आप बनाइएगा ताकि आप लोगों का भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और खाने में भी बहुत अच्छे स्वाद आता है इनमें, और बच्चों को भी बहुत ही अच्छा पसंद आता है। अब हम इसमें डालेंगे जो भी हमने वेजिटेबल काटे हुए हैं, सारे डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके साथ साथ हम लोग इसमें नमक वगैरह जो भी मसाले आप लोग खाते हो सब चीज़ डालेंगे।
बनाने के काम आता है। और कोई भी तवा हो, कोई भी पैन हो, आप उसको ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा अच्छे से, और चम्मच से पूरा तेल उसको लगा लीजिएगा और फिर उसमें बनाइएगा, क्योंकि उसमें चिपकते नहीं है तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। और अगर आप लोग चीले वीले बनाने में परफेक्ट है तो आप लोग लोहे के तवे में बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर बिल्कुल परफेक्ट वाले चाहिए तो आप लोग नॉन स्टिक वाला ही लीजिएगा, ताकि उसमें अच्छे से बनते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, आप लोग साइज के हिसाब से बनाइएगा। अगर आपको बड़े बड़े पसंद है तो आप बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ये लंच के लिए बना रही हूँ, तो बच्चों के टिफिन में छोटे छोटे अच्छे लगते हैं, तो मैं ये छोटे छोटे साइज के बना रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, इसलिए फायदा ये होता है कि बच्चे सारी वेजिटेबल खा लेते हैं इसके साथ ही, और उनको अलग से नहीं देना पड़ता है, और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो आप लोग चाहे तो बड़े बड़े चीले भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे बच्चों के टिफिन में ये अच्छा लगता है, तो ये आप लोग बनाइएगा, बहुत ही स्वाद आता है इनमें। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएँ। तो तवा थोड़ा सा बड़ा है तो इस वजह से ये कोई कोई पक जाते हैं, कोई कोई नहीं पकते हैं, क्योंकि नीचे गैस एक ही जगह पे आती है, तो इस चक्कर से इधर वाले थोड़ा कच्चे रह जाते हैं। इनको हम थोड़ा सा एक किसी बर्तन से हम ढक देंगे, ताकि ऊपर से भाप की वजह से भी पक जाएंगे। तो मैंने इनको एक छोटी सी परात है उससे मैंने इसको ढक दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं 2-3 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे, तो आप लोग को दिखेगा कि ये कैसे पक जाते हैं। सूजी एकदम फूल जाती है, इनों की चक्कर से ये और ही अच्छा बनता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का पक चुका है, और अब ये ना फटाफट पलट देने देंगे इनको, और अच्छे से ये हो जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। ये थोड़ा मोटा है तो इसमें थोड़ा भी टाइम लगेगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये बनते हैं, और बहुत ही देखने में इनको बहुत अच्छे लगते हैं, और खाने में भी उतने ही टेस्टी लगते हैं। तो आप लोगों से यही है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी, और आप लोगों के बच्चे के लिए ज़रूर ट्राई करेगा, और बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो मिलती हूँ आपको ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल पे हर तरीके का आपको वीडियो मिलेगा, क्योंकि हाउसवाइफ हूँ, तो सिलाई बुनाई कढ़ाई कुकिंग हर चीज़ का आपको मिलेगा, डेली व्लॉग मिलेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और मेरे वीडियो देखिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं।